कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन की बिजली के तार में चिपक कर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बिजली उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी पर बिना किसी सूचना के बिजली चालू करने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। युवक सुरजीत संविदा पर विभाग में लाइनमैन के पद पर तैनात था। नगला तालपार गांव में 11,000 हाई टेंशन की लाइन खराब हो गई थी, जिसके बाद बहबलपुर बिजली सब स्टेशन में संविदा पर तैनात लाइनमैन सुरजीत को शटडाउन लेने के बाद तार सही करने के लिए भेजा गया था। सुरजीत खंभे पर चढ़कर तार सही कर रहा था, तभी अचानक बहबलपुर सब स्टेशन से कर्मचारियों ने बिजली चालू कर दी, जिससे सुरजीत की तार में चिपक कर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजन सुरजीत को अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने सब स्टेशन में हंगामा काटा। परिजनों का आरोप था कि बहबलपुर सब स्टेशन में तैनात बिजली कर्मचारियों ने नशे में होने के कारण बिना किसी सूचना के बिजली चालू कर दी। वहीं घटना के घंटों बाद भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मृतक को देखने तक नहीं पहुंचा। वो आज तालपा नगरा में काम करने गया, तार चढ़ा रहा था, फिर जाऊँ लिया तार चढ़ाने लगा, उसके बाद वहाँ एकदम लाइट आ गई, वो वहाँ जल गया, गिर गया। अस्पताल जब तक यहाँ मिट्टी लेकर आए तो डॉक्टरों ने फिर मृत घोषित कर दिया। वहाँ का बिजली बड़ा की लापरवाही है, कहीं बड़ी लापरवाही है। और ये सुरजीत पुत्र हेतराम हमारे बहुत किलो की व्यक्ति है, और ये लड़का जो है बिजली विभाग में संविदा पर कई वर्षों से कार्य कर रहा था। आज नंगला ताल पार का तार जोड़ रहा था और नियमानुसार सिट डाउन लेकर कार्य कर रहा था, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण जब वह लाइन जोड़ रहा था विद्युत कर्मियों ने इसी बीच लाइन चालू कर दी, जिससे उसकी जो है बिजली एक्सीडेंट में मृत्यु। घंटे से तो मैं खड़ा हूँ, अभी ना कोई कर्मचारी है ना पुलिस के अधिकारी है ना बिजली विभाग का कोई कर्मचारी है। अब परिजनों का पिताजी से बात हुई है, वो इनके खिलाफ जीत की लापरवाही, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का काम कर रहे हैं।